दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज हो गया है 1 दिसंबर 2018। आज की ताजा खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है आधार कार्ड को लेके। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड को लेके 5 बड़ी अपडेट आई है। हम आपको इस वीडियो में आधार कार्ड की एक एक करके वो 5 बड़ी अपडेट बताएंगे, तो इसलिए आप ये पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको आधार कार्ड की ये 5 बड़ी अपडेट मालूम चल सके। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी आधार कार्ड की ये 5 बड़ी अपडेट मालूम चल सके। तो आइए देखते हैं आधार कार्ड को लेके पहली बड़ी खबर। आधार कार्ड के लिए दबाव बनाने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की होगी जेल। जहां दोस्तों, आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब अगर बैंक में खाता खुलवाते वक्त या फिर सिम कार्ड खरीदते वक्त कोई आधार कार्ड की मांग करे और ग्राहक आधार कार्ड नहीं देना चाहता है तो वह इसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। आधार कार्ड के लिए दबाव बनाने वालों को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसा करने वाली कंपनी के कर्मियों को 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आए आदेश के बाद लिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिक आईडी का इस्तेमाल केवल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही किया जाए। तो ये थी आधार कार्ड को लेकर पहली बड़ी खबर। अब देखते हैं दूसरी बड़ी खबर आधार कार्ड को लेकर क्या आई है। आधार QR कोड के जरिए खोल सकेंगे बैंक में खाता, आसान होगी EKYC। जी हाँ दोस्तों, बैंक और अन्य प्रिंटिंग कंपनियां आधार कार्ड QR कोड के जरिए ग्राहकों का खाता खोल सकेगी। केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और UIDAI में इस बात के लिए जल्द ही सहमति बनने के आसार हैं, जिससे ऑफलाइन आधार कार्ड के प्रयोग को जल्द मंजूरी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से आधार कार्ड का प्रयोग करना बैंकों, फिनटेक कंपनियों, बीमा और मोबाइल वॉलेट के लिए अनिवार्य नहीं रहेगा। इससे कंपनियां पहले की तरह EKYC के लिए आधार का प्रयोग नहीं कर पा रही थी। अब अगर बातचीत सफल रही तो फिर ऑफलाइन आधार का प्रयोग करना मुश्किल हो जाएगा। आधार कार्ड पर लगे QR कोड को स्कैन करके सारी डिटेल निकल सकती है। इस डिटेल को UIDAI द्वारा डिजिटल साइन किया जाएगा, जिसके बाद यह राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी की तरह भरोसेमंद हो जाएगा। साथ ही पासपोर्ट ऑफिस और बैंक को इसमें काफी सुविधाएं हो जाएगी। वहीं आधार कार्ड को लेकर तीसरी बड़ी खबर है, निजी स्कूलों के नामांकन में नहीं लगेगा आधार कार्ड, जारी हुआ निर्देश। जी दोस्तों, राज्य के निजी स्कूलों में अब छात्र छात्राओं के नामांकन में आधार नहीं लगेगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विनोद कुमार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निजी स्कूल हो या सरकारी, किसी में छात्र और छात्राओं के नामांकन के समय आधार कार्ड अनिवार्य नहीं रहेगा। साथ ही शिक्षा विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि निर्देश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी FIR निर्देश जारी किया है। वहीं चौथी बड़ी खबर है आधार कार्ड को लेकर, आधार के बिना भी छात्रों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। आधार नहीं रहने पर भी बच्चों को हर तरह की योजनाओं सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। स्कूलों में नामांकन और प्रोत्साहन राशि देने में आधार को अनिवार्य नहीं माना जाएगा। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने भी सभी जिला को बुधवार को पत्र भेज दिया है। BEP ने अपने पत्र में कहा है कि बच्चों को विभिन्न प्रोत्साहन राशि के भुगतान आदि के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती थी, जो अब नहीं रहेगी। आधार कार्ड को लेकर पांचवी बड़ी खबर है, आधार के जरिए लिए गए फोन कनेक्शन पर सरकार ने कही महत्वपूर्ण बात। आधार से जारी हुए फोन कनेक्शन रद्द होने की खबरों पर दूरसंचार विभाग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को सफाई दी। सरकार ने कहा कि आधार का उपयोग कर जारी किए गए कनेक्शनों को बंद होने का कोई खतरा नहीं है। दूरसंचार विभाग और UIDAI ने उन खबरों को खारिज किया है जिनमें कहा गया है कि आधार से जुड़े 50 करोड़ यानी आधे सिम कार्ड बंद हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राहकों को पुनः सत्यापन तभी किया जाएगा जब कोई ग्राहक अपने आधार आधारित सत्यापन को किसी दूसरे पहचान पत्र या वैध पते पर प्रमाण पत्र से बदलना चाहेगा। तो दोस्तों, ये थी आधार कार्ड को लेकर 5 बड़ी अपडेट। दोस्तों, आधार कार्ड के इस अपडेट को लेकर आप हमें कोई राय और सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर करें और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहे। धन्यवाद।